सो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारा हिकविजन का DVR है, इसको हम ठीक कनेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा DVR लगा हुआ है, उस पर ये कैमरा कनेक्टेड है आप जो देख रहे हो, और उसके कैमरे के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेड एंड वाइट कलर का। तो आप देख सकते हो कैमरे के सामने कुछ अगर मोशन करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, यहाँ पर ये लेना है कि आपको DVR में लॉगिन कर लेना है। राइट क्लिक करके मेनू पर क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई पासवर्ड या अनलॉक पैटर्न सेट हो तो आप उसे अनलॉक कर लें। और कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में आपको जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पर आपका जो IP एड्रेस है, जो आपका LAN केबल कनेक्टेड होगा या Wi-Fi कनेक्टेड होगा, तो वो आपके DHCP से आपको IP एड्रेस मिल जाएगा। आपके DVR को राउटर IP एड्रेस अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 192.168.2.5 का IP एड्रेस DVR को मिला है, और 2.1 जो है वो गेटवे एड्रेस है, मतलब राउटर का एड्रेस है। तो ये आप चेक कर लें, और ये जो इनेबल DNS DHCP का ऑप्शन है इसे भी चेक कर दें। अगर ये अनचेक हो तो आपका जो DNS है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपके DVR को। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म एक्सेस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ऑफलाइन बता रहा है, तो यहाँ पे आपको इनेबल पर क्लिक करना है। इनेबल पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये आपका ऑफलाइन स्टेटस ऑनलाइन हो चुका है। देखिए तो अब ये जो DVR है हमारा ऑनलाइन हो चुका है, और अब आपको क्या करना है, हिकविजन की जो वेबसाइट है हिकनेक्ट, उस पर आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लैपटॉप का स्क्रीन आपके साथ शेयर किया है, hikconnect.com जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आकर आपको रजिस्टर्ड करना है, आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है ऑनलाइन आपके DVR को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो, ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट आगे भी मिलती रहे। अगर चैनल के इन्फॉर्मेशन और कंटेंट से आपको हेल्प मिलती है, आपका काम आसान होता है, तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेशंस कर सकते हो। डोनेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसी तरह के टेक्निकल हेल्प आर्टिकल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट technosearch.in को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर नए नए टेक्निकल आर्टिकल्स अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ रजिस्टर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यूज़र नेम में आप यहाँ पर जो यूज़र नेम आपको ठीक लगता है वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ जैसे technosearch डाल देता हूँ यूज़र नेम, और पासवर्ड हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और उसमें अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी यूज्ड है, क्योंकि मैंने इसी यूज़र नेम से रजिस्टर्ड किया था। तो आपकी मर्ज़ी से जो यूज़र नेम आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर डाल दें, और एक पासवर्ड उसका सेट कर लें जिसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखें। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट कर दिया। कंट्री में आपको यहाँ पर जो भी आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा एशिया के अंदर, और यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर technosearch वाला ईमेल आईडी डाला था, तो आपका जो भी ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी हो, वो आप ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड। अगर आप ईमेल आईडी के बजाय आपका मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर आपको डालना है वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी से ही आपको बता रहा हूँ। और ये जो कैप्चा कोड होता है यहाँ पर, ये कैप्चा कोड आपको एज इट इज फिल करना है, और आपको आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आपके ईमेल आईडी पर एक कोड जनरेट हो जाता है। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड मुझे आया था जो 30 मिनट के लिए वैलिड होता है, 253 है। तो आपको उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर वेरीफाई करना रहता है। उस सिक्योरिटी कोड को जब आप वेरीफाई कर लेते हो तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आता है, और आपको वापस से लॉगिन करना पड़ता है आपकी ईमेल आईडी से। तो मैंने जिस आईडी से रजिस्टर्ड किया था, मैं उस आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब आप लॉगिन हो जाते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आता है। यहाँ पर अभी कोई डिवाइस ऐड नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पर डिवाइस ऐड करेंगे। हमारा जो DVR है, ये वाला जो DVR है, इस DVR को हम ऐड करेंगे हमारे हिकनेक्ट के जो क्लाउड वाले लॉगिन में हम ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको डिवाइस का सीरियल नंबर डालना रहता है। तो डिवाइस का जो सीरियल नंबर होता है वो डिवाइस के बैक साइड में होता है। डिवाइस का सीरियल नंबर आपको डिवाइस के बैक साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर बाई चांस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, या आपका सीरियल नंबर जो स्टिकर है वो आपका मिट गया है, तो आप ये QR कोड को स्कैन कर सकते हो, यहाँ से आपको आपके डिवाइस का सीरियल नंबर मिल जाएगा। और अगर यहाँ से भी आपको लेने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टिकर आपका फट गया है या घस गया है, तो आप आपके DVR के मेन मेनू से भी आपका जो सीरियल नंबर है वो ले सकते हो।
जैसे कि आप अगर यहाँ जाते हो और आप यहीं के QR कोड स्कैन करते हो तो आपको यहाँ से भी सीरियल नंबर आपका मिल जाता है। इसके बाद आपको एक और एक ऑप्शन आता है मेंटेनेंस में, जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपके डिवाइस का सीरियल नंबर शो करता है, तो जो लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं WCVU जो आपको दिख रहा है, इसके पहले के जो 9 डिजिट होते हैं जो नंबर्स में होते हैं, ये आपके DVR का सीरियल नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं अपने DVR का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, और जब आपने सीरियल नंबर यहाँ पर डाल दिया है तो आपको सर्च पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आपका DVR यहाँ पर मॉडल नंबर दिखा रहा है, तो आप ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर DVR ऐड होने की सेकंड स्टेप पर आ जाता है और आपको वेरिफिकेशन कोड पूछता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे आप जब आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आते हो तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है QINPVI, तो ये एक वेरिफिकेशन कोड होता है ताकि इससे पता चलता है कि भाई जो एक्चुअल ओनर है वही इसे ऐड कर रहा है। तो ये वेरिफिकेशन कोड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और यहाँ पर देखिए डिवाइस यहाँ पर ये सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। अब आप चाहे तो यहाँ पर उसका नाम चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर इसका नाम डाल देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम टेस्टिंग यहाँ पर डाल दिया है डिवाइस का नाम, और ओके कर दिया है। अब ये डिवाइस यहाँ पर हमारे पास लॉगिन हो चुका है, अब ये डिवाइस हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है, हमारे जो क्लाउड आईडी है उसके अंदर ऐड हो चुका है। अब इसके बाद की स्टेप में आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल के ऊपर जो ऐप है वो आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के लिए आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे वेब ब्राउजर में एक ऑप्शन दिख रहा है ही कनेक्ट ऐप, आप इस पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक QR कोड देता है। ये QR कोड को जब आप आपके मोबाइल में स्कैन करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्कैनर से स्कैन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने मोबाइल से स्कैन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट पर ले जाता है जहाँ से आप ही कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ये डाउनलोड पेज पर हम आ चुके हैं कनेक्ट के, और गो टू डाउनलोड पर जब आप क्लिक करते हो, और ये 100 MB का सॉफ्टवेयर है, तो आप इंस्टॉल पर जब क्लिक करते हो तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है। और अगर आपके मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप या जो ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है, तो आपको परमिशन अलाउ करना पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली हिकविजन की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा है APK एंड्रॉयड में, ये प्ले स्टोर पर आपको सर्च करने पर शायद ये ऐप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐप डाउनलोड हो रहा है, ऐप डाउनलोड होने के बाद आप उसे ओपन पर क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हम अलाउ अदर सोर्सेस यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं अदर सोर्सेस से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये ही कनेक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है, जब आप ओपन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। एप्लीकेशन ओपन होते टाइम पर आपको ये कुछ ऑप्शंस और पूछेगा जो आपको अलाउ करना पड़ेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम हमारा रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, और लॉगिन और रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। और जो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप अगर ऊपर एक ईमेल का भी आपको आइकॉन दिख रहा है, ईमेल के आइकॉन पर क्लिक करते हो तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर जो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया था यहाँ पर टेक्नोसर्च यूज़र नेम का, और उसका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, और पासवर्ड यहाँ पे हम सेव नहीं करेंगे इसका। और ये कुछ सेटिंग्स के लिए बोल रहा है, तो आप उसे सेटिंग्स इनेबल कर सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पर टेस्टिंग नाम का हमारा डिवाइस दिखा रहा है, जब हम टेस्टिंग वाले डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने चारों कैमराज का प्रीव्यू आ चुका है। जो फर्स्ट कैमरा है, उस फर्स्ट कैमरा में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो DVR में जो स्क्रीन दिख रही है वही स्क्रीन आपको यहीं पर दिख रही है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ हलचल करके दिखा रहा हूँ, कैमरे के सामने मैंने हाथ हलाया है, कैमरे के सामने मैंने अपना हाथ लगाया है, तो आप देख रहे हो मोबाइल पर भी आपको वही दिख रहा है, और जो वो डायरेक्ट स्क्रीन है वहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली हिकविजन के DVR को ही कनेक्ट ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि इजविस पर उनके DVR कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है कि आप ही कनेक्ट से कर सकते हो, या अगर आपको ही कनेक्ट ऐप ज़्यादा ईजी लगता है तो आप उसी पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो कमेंट करके बताएं, आपको उस पर जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई वो आपके ज़रूर काम आए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए हमारा सपोर्ट चाहते हो, तो आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते, हमारी टेक्निकल रिस्पॉन्स टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।